आज हमारे बीच उपस्थित सभी मेहमान जो भी आज हमारे हैं, आज मैं उनका इंद्रप्रस्थ की तरफ से स्वागत करता हूं। और आगे मंच के लिए मैं अपने बड़े भैया अजीत कुमार शर्मा जी का उन्हें बुलाता हूं कि आगे की प्रक्रिया को पूरी करें। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे मंच पर मैं आशीष करना चाहूंगा हमारे अजीत जो को, लेकिन जोश पूरा होना चाहिए। मंच पे आशीष कराने से पहले आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आपको अपनी जगह प्राप्त करें। मुख्य मैं सबका बारी बारी से नाम लूंगा और हमारे मुख्य अतिथि आज के डॉक्टर राजीव कुमार जी मंच पर आसीन हूँ, और साथ में हमारे गोस्वामी जी जिनको कोई जरूरत नहीं है किसी भी पहचान की, जिले में जिस तरीके से कार्य आपने करा है आप फिर भी अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे आज के अध्यक्ष का हवाले कर रहे हैं डॉक्टर विपिन गुप्ता जी, वो भी मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर सखीराम जी डायरेक्टर हैं, कृपया वो भी आके अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। और साथ ही मैं चाहूंगा कि लोकेश सूरी जी भी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें, कि बारी बारी से वो आते रहेंगे मेरे पास और मुझे यहाँ पर बताते रहेंगे कि मुझे और क्या कुछ करना है। इस बीच में क्योंकि बहुत देर से मीडिया आपको सुनना चाह रहा था और आज की पूरी योजना को जानना चाह रहा था, और दूरदर्शन से लेके हमारा पूरा मीडिया यहाँ पर आज उपस्थित है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम अपने विस्तार से कार्यक्रम को अपनी युवा पीढ़ी के सामने जो अभी इसका विस्तार से आगे लेके चलेंगे, उससे पहले मीडिया चाह रहा है कि बाइट कर लें, क्योंकि दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है और लगभग 1.5 घंटे से आप लोगों की उपस्थिति का इंतजार ये लोग कर रहे थे। तो मीडिया बंधुओं के लिए भी एक बार छोटा तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये मेरा परिवार भी है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइट कृपया आगे आ जाए। जैसा हम सबको विदित है कि अभी देश के 15 बड़े संगठनों ने मिलकर एक बड़ा अभियान प्रारंभ किया है जिसका नाम है स्वावलंबी भारत अभियान। हमारा युवा आज नौकरी के पीछे भाग रहा है, रोजगार की बात अगर हम आज युवा से करते हैं तो रोजगार का मतलब वो केवल नौकरी से लगाता है, और नौकरियां बहुत सीमित हैं, चाहे सरकारी नौकरी की बात करें या प्राइवेट सेक्टर को मिला के बात करें तो नौकरियों की संख्या सीमित है। इसलिए नौकरियों से इस देश की बेरोजगारी दूर होगी युवाओं की, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए एक बड़ा अभियान स्वरोजगार और उद्यमिता को लेकर आज हमारा युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में उतरे, उद्यमिता के क्षेत्र में उतरे, इसको लेकर एक बड़ा अभियान अभी हम लोगों ने प्रारंभ किया है जिसका नाम है स्वावलंबी भारत अभियान। तो वह स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत पहले भी यहाँ पे हापुड़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, लेकिन आज एक विशेष अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज इस इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हापुड़ जिले का जिला रोजगार सृजन केंद्र आज प्रारंभ होने जा रहा है, उसके आरंभ के अवसर पर ही हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हापुड़ के भी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यह केंद्र ऐसा केंद्र होगा जो इस ज़िले के युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ी हुई जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, जितने भी प्रकल्प चलते हैं, जितने भी क्रियाकलाप चल सकते हैं, कोई प्रशिक्षण चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कोई जॉब के बारे में जानकारी चाहिए, तो ऐसा एक ऐसा केंद्र आज हापुड़ में खुलने जा रहा है जो हमारे युवाओं को इस महामारी, मैं तो इसको महामारी कहूँगा क्योंकि ये जो बेरोजगारी है बहुत बड़ी महामारी है, इसको दूर करने में ये केंद्र बड़ी सहायता करने वाला है। आज तक कोई ऐसा एक केंद्र ऐसा नहीं है जहाँ पर सारी योजनाओं की या समस्त जानकारियाँ मिलती हों, तो आज ये केंद्र खुलने के साथ ही हापुड़ के अंदर हमारे विपिन जी बैठे हुए हैं, इस कॉलेज के वो संस्थापक भी हैं, हमारी स्वावलंबी भारत अभियान की पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, तो इस केंद्र के माध्यम से हापुड़ के युवाओं के लिए एक अवसर पैदा हुआ है, वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे समय समय पर उनको सारी जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध होगी, और जो भी और प्रशिक्षण के कार्यक्रम, उद्यमिता के कार्यक्रम, रोजगार मेलों के कार्यक्रम, वो सब इसी केंद्र के द्वारा आयोजित होंगे। आज मुझे लगता है कि हापुड़ के अंदर ये केंद्र खुलने से
एक अच्छा यहाँ पर युवाओं के बीच में संदेश जाने वाला है, और जो बेरोजगार युवा हैं, मेरे साथी हैं, मेरी बहनें हैं, वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लाभान्वित होंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर युवा है और आप कह रहे हैं कि उनको लाभ मिलेगा, तो क्या सटीकता रहेगी कि उनको नौकरी या फिर जो उनको रोजगार मुहैया करवाने का प्रयास है आपका, कि रोजगार मिल पाएगा, किस प्रकार से मिल पाएगा, क्या लोन की कुछ ऐसी प्रक्रिया भी है? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और वो सारी योजनाएं जो है ना वो कागजों पे पूरी हो जाती हैं। मैं इस पे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो असली लाभान्वित होने चाहिए वहाँ तक वो योजनाएं नहीं पहुँचती। उसके पीछे एक ये भी सिस्टम काम करता है कि हमारा युवा वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, उसको ये जानकारियाँ नहीं मिल पाती कौन कौन सी योजनाएँ हैं। तो पहला तो इस रोजगार सृजन केंद्र के माध्यम से ये योजनाएँ हमारे युवा को मिलेंगी, पहली बात। फिर कहाँ कहाँ से रोजगार जनरेट हो सकता है, रोजगार का मतलब केवल नौकरी नहीं है। हम यहाँ पर हालांकि नौकरियों के संबंध में भी कुछ जानकारियाँ यहाँ पर देंगे, लेकिन नौकरियों के साथ साथ एक बड़ा क्षेत्र यहाँ पर जो है वो स्वरोजगार का बन सकता है, क्योंकि हापुड़ जो है बड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण जिले में गिना जाता है, और यहाँ की प्राकृतिक जलवायु और यहाँ पर सारे संसाधन, दिल्ली के नज़दीक है ये ज़िला, तो यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे युवा को मिल सकती है। तो उसके लिए सारी जानकारियाँ यहाँ से मिलेंगी, सरकार की योजनाओं की जानकारी, कहाँ से लोन की फंडिंग होगी, कहाँ से लोन मिलेगा, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, कैसे हमारा युवा, इसको लेकर ये सारा रोजगार सृजन केंद्र काम करने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे युवा अवश्य लाभान्वित होंगे। अभी आज इसका उद्घाटन हो रहा है और इस धीरे धीरे इसको हम पूरी तरह संचालित करेंगे। यहाँ पर समय समय पर कुछ अच्छे लोगों के लेक्चर, उद्यमिता से जुड़ी जानकारी, और सरकार के जितने विभाग हैं उनसे जुड़े हुए अधिकारी यहाँ पर आएंगे, वो सारी योजनाओं की जानकारी देंगे। मुझे लगता है निश्चित रूप से हमारे युवा आज इस जिला रोजगार सृजन केंद्र से लाभान्वित होने वाले हैं, विश्वास रखिए। ये हम सब लोग मिलकर इसको जो है बेरोजगारी के राक्षस को हम भगाने में कामयाब होंगे, इतनी उम्मीद है, जरूर ऐसा होगा। विपक्ष कहता है कि जब भी आप इस प्रकार की कुछ भी स्कीम्स लेके आते हैं, अच्छा प्रयास लगता है आपका, और अब तो आप कॉलेज और स्कूलों तक डायरेक्ट आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि पकौड़ा तक सीमित रह जाएगा, पकौड़ों के ठेले तक। देखो, ये पकौड़ा वाला विषय जो है, मैं पकौड़ा नहीं, मैं पकौड़े से भी हटके बात करूँगा। एक चाय की दुकान भी खोलता है ना एक व्यक्ति, तो वो भी दो लोगों को रोजगार देता है, सवाल ये नहीं है। पकोड़ा, वो कभी प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया तो विपक्ष ने उसको पकड़ लिया। विपक्ष ये बताए कि उनके कार्यकाल में यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिला, क्या बेरोजगारी क्या अभी चंद दिनों से पैदा हुई है क्या? तो ये सब राजनीतिक बातों के चक्कर में नहीं उलझना है, हम लोग समाज के लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। देखिए, जो रोजगार जनरेट होता है ना वो सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, आप पहले इसे स्पष्ट कर लीजिए। सरकारें ही रोजगार देती आई हैं, ऐसा नहीं है, इस देश का इतिहास उठा के देखिए कभी भी, हम समाज ही एक दूसरे को रोजगार प्रोवाइड कराता है। मैं अक्सर कहता हूँ, एक घर के अंदर एक मांगलिक कार्यक्रम होता है, किसी के यहाँ शादी ब्याह होती है, तो उस शादी ब्याह एक घर से होने से कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप देखिए, हलवाई को रोजगार मिलता है, बारदाने वाले को रोजगार मिलता है, टेंट वाले को, लाइट वाले को, साउंड वाले को, घोड़ी बग्गी वाले को, बैंड वाले को, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, शादी एक होती है। तो ये रोजगार देना ये सरकारों पे निर्भर नहीं है और सरकारें नहीं दे पाएंगी। सरकार केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नौकरी देती है, वो भी एक लाड मैकाले की शिक्षा पद्धति यहाँ हमारे ऊपर थोपी गई थी, जिसने यहाँ बाबू बनाने की एक जो है वो प्रवृत्ति शुरू करी। अदरवाइज रोजगार तो हमेशा समाज देता आया है, और ये सामाजिक संगठनों का आंदोलन है, ये जो अभियान है ये अभियान सरकार का अभियान नहीं है, इसको आप स्पष्ट कर लीजिए। ये 15 सामाजिक बड़े संगठनों का अभियान है मिलकर, तो समाज इसको करने वाला है। तो इसलिए इन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं है कि विपक्ष क्या कहता है और विपक्ष को क्या करना है, उनको कहने दीजिए, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। धन्यवाद। वो अभी आगे बढ़ाते हुए माइक हो चुकी हैं, और धन्यवाद, आपने हमारा आग्रह स्वीकार करा। अब मैं यहाँ पर चाहूँगा कि एक सम्मान समारोह संक्षिप्त में बहुत जल्दी यहाँ पर हम करें, तो क्योंकि सभी का समय कीमती भी है और हमारे अतिथि जो हैं वो बड़ा कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं, और एक बहुत ही अच्छी योजना के अंतर्गत जो आप अभी सुनेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, और आप सभी लोगों को बहुत कुछ लाभ भी मिलने वाला है। मैं चाहूँगा इनसे कहूँगा कि अभी स्वागत समारोह को वो यहाँ पर पूर्ण करवाएंगे और मैं उनके साथ रहा हूँ।
जो अखिल भारतीय सह विचार प्रमुख सदस्य जागरण मंच के हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका स्वागत अपने कॉलेज के चीफ प्रोरेक्टर साहब डॉक्टर लोकेश जी के द्वारा करवाना चाहूंगा। वो आए मंच पर डॉक्टर लोकेश जी। जोटा तालियों में देखिए गड़गड़ा रही है। मैं मुंशी राम के लिए भी चाहूंगा कि वो आके विराजमान हो मंच पर, अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा रामदेव को याद कर लीजिए एक बार, ताली बजाने से योग भी बताते हैं। हमारे बीच हैं और मैं चाहूंगा कि लोकेश जी जो बीएड बीडीसी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं वो आए और सर को मोमेंट को स्वागत करें। मानसिंह गोस्वामी जी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जिला प्रभारी भाजपा से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर संजीव जी आए एचओडी हमारे सर और सर को मोमेंट और उनका सम्मान करें। मुझे लगता है कि संजीव सर तो लोकप्रिय होंगे आप लोगों के बीच में, जब ये आए तो ताली बहुत बजाएंगे। अलका जी यहाँ पर बुके लेके आई हैं और सम्मान करेंगी यहाँ पर सभी अतिथियों का, तो आपके लिए भी बहुत बड़ा सम्मान है कि आपने सम्मान को याद रखा, तो आपके लिए भी सम्मान है। जोरदार तालियां। ये महिला सम्मान करते हैं तो अलका जी ने बहुत कुछ सामने करा है। अलका जी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और भाजपा से ही और सामाजिक कार्य करना है और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कार्य करा है, हमेशा जुड़ के रहती है और एक लोकप्रिय चेहरा भी है। और मैं अभी आज के इस कार्यक्रम में मैं इस स्वागत के बाद मैं चाहूंगा कि श्रीमान मानसिंह गोस्वामी जी क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी भाजपा को आए और यहां पर आके अपनी वाणी से आप लोगों को और ज्यादा सजग करें कि क्या कुछ और अभी होने वाला है, क्या कुछ है। स्वावलंबी भारत के आज बैनर तले शिक्षा के इस पवित्र प्रांगण में मंच पर उपस्थित डॉक्टर राजीव कुमार जी, अखिल भारतीय सह विचार प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच, आदरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में कुलदीप सिंह जी प्रांत समन्वयक मेरठ प्रांत स्वावलंबी भारत अभियान और इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर विपिन साहब, मंच पर विराजमान सम्मानित हस्तियां और मेरे संग उपस्थित बहुत सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली वो सब प्रतिभाएं जो राजनीतिक क्षेत्र में भी जिन्होंने अपना नाम कमाया, मैं आप सभी का हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा डॉक्टर राजीव साहब समझा रहे थे, स्वावलंबी भारत के अंतर्गत डॉक्टर साहब ने कहा कि यह सत्य है कि सरकारें उतने संसाधन उतनी नौकरियां
आम जनमानस को नहीं दे सकती। इसके सृजन करने के लिए हम सबका भी बहुत बड़ा इस क्षेत्र में योगदान है। आज तकनीकी से जुड़े हुए जितने भी ट्रेड्स हैं, इंजीनियरिंग का क्षेत्र उठा लीजिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दर्जनों ऐसे ट्रेड्स हैं, एक एक जब स्टूडेंट बीटेक करने के बाद, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर उसने आईटीआई भी की है, पॉलिटेक्निक भी किया है और बीटेक भी किया है, जब वो छात्र इंजीनियरिंग करने के बाद फील्ड में जाता है तो कई बार उसको समझने के लिए ये रास्ता नहीं मिलता कि मुझको नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि एक दिमाग में रहता है कि केवल हमको नौकरी चाहिए, बीए किया है तो नौकरी चाहिए। नर्सिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में भी इसी तरह की संभावनाएं छात्रों के जीवन में बनी रहे। इस तरह के केंद्र जब जिला वाइज होंगे, जैसा मैंने डॉक्टर राजीव साहब ने कहा कि 14-15 बड़ी संस्थाओं की अखिल भारतीय लेवल पर एक समूह है और उस समूह के द्वारा जिला केंद्रों पर जो जानकारी मिलेगी, मैं मानता हूं जिस प्रकार अंधेरे को दूर करने में एक दीपक काम करता है, उसी प्रकार से छात्रों के जीवन में उस छात्र को अपने जीवन में अब किधर जाना है, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जब ये केंद्र खुल रहे हैं तो उन केंद्रों से हम जानकारी ले सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास प्रतीत हो रहा है। बहुत धन्यवाद एक बार दोबारा से, आप भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इसी कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपकी ही बात को बड़ा करना चाहता हूँ जी, कि अगर आप कहते हैं कि 8वीं के बाद और 12वीं के बाद, हालांकि जो हमारा वाला जो पृष्ठभूमि है पत्रकारिता, वहां तो पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, लेकिन आप अगर स्वरोजगार की बात करते हैं तो इनिशियल ग्राउंड पर सैलरी नहीं होती, लेकिन जितने भी पत्रकार बंधु हैं ये अपना रोजगार खुद से निभाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, तो वो भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो इसके लिए भी एक बार ताली बजाइए क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हमारा वाला भी। साथ ही अभी किसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और तालियां आपकी रुकनी चाहिए हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव कुमार जी और जो आज के हमारे मुख्य वक्ता भी हैं, तालियों के साथ आप उनका यहाँ पर स्वागत के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बहुत बहुत स्वागत। मंचा सिंह आदरणीय गोस्वामी जी, हमारे मित्र कुलदीप सिंह जी जो इस अभियान के प्रांत के संबंधित भी हैं, हमारे विपिन जी, हमारे लोकेश जी और इस कॉलेज के डायरेक्टर साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ छात्र छात्राएँ भी हैं, मैं सभी को साधुवाद दूंगा कि आप सबके प्रयास से आज हापुड़ के अंदर एक ऐसा केंद्र खुला है जो आगे चलकर हमारे युवाओं को दिशा देने का एक बहुत अच्छा काम करने वाला है, इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करता हूं कि आज ये जो केंद्र खुलेगा उसके बाद हापुड़ के अंदर एक जन जागृति हमारे युवाओं के बीच में आएगी। स्वावलंबी भारत अभियान के बारे में अभी मैं थोड़ा पत्रकारों से वार्ता कर रहा था तो उन्होंने बताया कि इस देश के अंदर जो है जो रोजगार की परिभाषा है वो बहुत गलत गढ़ी गई। रोजगार यानी नौकरी, मतलब रोजगार का मतलब नौकरी। अभी हमारे पत्रकार बंधु भी बात कर रहे थे तो सरकारों से भी जब ये बात की जाती है कि भाई आपने कितने लोगों को रोजगार दिया तो रोजगार का मतलब नौकरी, जबकि ऐसा नहीं है। रोजगार की परिभाषा में केवल नौकरी नहीं आती, नौकरी तो एक उसका छोटा सा पार्ट है, उसके अलावा बहुत सारे काम आते हैं। जितने भी काम हम देखते हैं जो आजीविका चलाने के काम है ये सारे रोजगार के अंतर्गत, इसलिए रोजगार की तो परिभाषा ही गलत है। और ये परिभाषा कोई आज से नहीं है, ये जो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति हमारे ऊपर थोपी गई है उस शिक्षा पद्धति में डिग्री लेकर केवल नौकरी करनी है, एक ऐसा जो एक माइंड सेटअप हमारे युवा का बना है ये उसका परिणाम। बहरहाल
हमारी सरकार शिक्षा पद्धति को भी अब चेंज करने जा रही है। मैं कल ही पढ़ रहा था कि शायद मार्च अप्रैल से शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन होने जा रहा है, और जब जो नई शिक्षा पद्धति आ रही है उसके अंदर ये सब उद्यमिता, कौशल विकास, ये सब विषयों को सरकार अब जोड़ने जा रही है। केवल अब डिग्री लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम डिग्री लेकर अपने घरों में बैठे, हमारा युवा 26 साल 28 साल की उम्र तक पढ़ता ही रहता है, माँ बाप पे निर्भर रहता है, नौकरी मिलती नहीं। मैं तो किसान के बेटों को देखता हूँ, किसान के बेटे अपनी जमीन तक बिकवा देते हैं माँ बाप से कहकर, जिस जमीन पे वो इतना अच्छा स्वरोजगार खड़ा कर सकते थे, ऐसे पक्का पकड़े कर सकते थे, वो उस जमीन को भी बिकवा देते हैं केवल नौकरी की चाह में, और नौकरी मिलती नहीं। मिलती भी है तो वो 5-7, 10-15 हजार की मिलती है, किसी दूसरे जिले में जाके जब हमारा युवा नौकरी करेगा तो वो 50,000 की भी नौकरी करेगा तो वो 50,000 में कुछ नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वहाँ उसको एकोमोडेशन भी चाहिए, वहाँ खाना पीना रहना यातायात सब चीजें, पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं बचा पा रहा। तो ये नौकरी के नाम पर जो एक माइंड सेटअप बनाया ना युवा का, इसको चेंज करने के लिए ये अभियान चला है जिसका नाम है स्वावलंबी भारत अभियान। हमने पूर्व में विद्यालयों के अंदर कार्यक्रम किए, हमने जाके युवाओं के बीच में गोष्ठियां करी, उनको समझाया कि इतना बड़ा देश है, 37 करोड़ युवा है इस देश के अंदर, कौन सी सरकार ऐसी है जो सबको रोजगार दे देगी, आप बताइए। हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इसकी 20 करोड़ की आबादी है, कौन सी सरकार ऐसी है जो सबको रोजगार दे देगी, कोई नहीं दे पाएगी। अगर कोई वादा भी करता है तो वो झूठा वादा, मैं आपको यहां से मंच से क्लियर कह रहा हूं, क्योंकि इतनी नौकरी है ही नहीं, सरकारी नौकरी बहुत लिमिटेड है, प्राइवेट सेक्टर को भी मिला लो तो 7-7.5% का आंकड़ा रहता है, फिर बाकी रोजगार कहां से आएगा। वो रोजगार आएगा अलग अलग प्रकल्पों से, अलग अलग कामों से। इतनी बड़ी मार्केट है, विशाल मार्केट है भारत की, पूरे विश्व की निगाह इसके ऊपर है, इस पर विदेशियों का कब्जा होगा। यहां अगर हमारा युवा खड़ा हो जाए आज, वो अपने स्वरोजगार को खड़ा करे, तो ना तो यहां विदेशी को हम ठहरने देंगे और ना यहां पर बेरोजगारी का लक्ष्य चलता है। इसलिए स्वावलंबी भारत अभियान एक सोच को बदलते हुए हमारे युवा को एक दिशा देने का काम करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, सुना होगा। जो अभी भी नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी की ओर अग्रसर रहे, लेकिन विश्वास मानिए जो भी आपने बताया उसकी सच्ची घटना भी बताई, पूरी स्टोरी बताई, घटना नहीं वो पूरी स्टोरी की सकारात्मक है तो घटना नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारा नेशनल यूनिटी स्टोरी हब भी है सर। हम पहले कॉर्पोरेट में ही थे, उसके बाद फिर पत्रकारिता में आई, जॉब करी, फिर लगा कि क्यों ना इसी को अपना विस्तार करें, फिर अपना एक प्रारूप निकाला, फिर हम यूपी हेड रहे, फिर हमने अपना खुद का एक स्टूडियो बनाया, और हमें अटल रत्न सम्मान भी इसलिए मिला था लखनऊ में विधानसभा में कि हमने पहली बार यहाँ पर जो 5-10 करोड़ रुपए का सर्वर बनता है उसको हमने मात्र 40-50 लाख रुपए में अपना स्टेबल कर लिया, और आज हमारा वर्चुअल स्टूडियो है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग है। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, एक इनोवेटिव आइडिया आपके अंदर होना चाहिए, और आपका मार्गदर्शन अगर आपको मिल जाता है, आप स्किल्ड हो जाते हैं तो आप कर सकते हैं। और अभी इसी कड़ी को आज ग्राम देने में हमारे आज के अध्यक्ष डॉक्टर विपिन गुप्ता जी, जिला संरक्षक स्वदेशी जागरण मंच यहाँ पर है और यहाँ के प्रबंधक है इंस्टीट्यूट के, आज आपने पूरा अपना यहाँ पर आयोजन करवाया, आयोजन करवाया और इतनी बड़ी बड़ी हस्ती को बुलवाया, दो शब्द से आप आज ग्राम देंगे इस पूरे कार्यक्रम। धन्यवाद अजीत जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर आयु जी, कुलदीप सिंह जी, माननीय मानसी गोस्वामी जी, डॉक्टर सतीराम सिंह जी, मुकेश रोय जी, मुशीला जी और शोधान सिंह जी, और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, लेक्चरर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि आप वो टाइम निकालकर यहां पर आए, और ये जो रोजगार सृजन केंद्र का जो उद्घाटन हुआ इसकी उपयोगिता शायद आपको आज नया नहीं आ रही होगी, मैं आपको लग रहा है कि शायद ये फॉर्मेलिटी हुई है, जबकि ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये पूरे जिले को दिशा देने वाला एक केंद्र बनने वाला है, जहाँ से पूरे जिले के युवाओं को पूरी जानकारी होगी कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसी सरकार की हो सकती हैं, बैंक क्या क्या कर सकते हैं, उद्योग केंद्र क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सबके अधिकारी जैसे मैं सब ने बताया यहाँ आएंगे, आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे, और आप लोग अपने जीवन में केवल एक एजुकेशन के बाद नौकरी के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं
इसकी विस्तृत जानकारी पूरे जिलों के यहाँ पर होने वाली है। जैसा कि अजीत जी ने बताया कि इनका स्टार्टअप हुआ है छोटा सा, हम लोगों के साथ भी यही था कि भाई पिताजी कहते थे कि नौकरी करो, हम कहते थे कि हमें नौकरी नहीं करनी है, तो पिताजी और हमें कशमकश लगातार रहती थी। वो कहते थे भाई मैं शिक्षक हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है दिक्कत नहीं, वो हम कहते थे पिताजी हमें नौकरी नहीं करनी, जबरदस्ती टाइम्स ऑफ इंडिया में लग गया जाके नौकरी करी, पर तो फिर भी मैंने हमने कोशिश करी, ईश्वर ने सपोर्ट किया, तो आज हमारे 8-10 कॉलेज जगह जगह चल रहे हैं। यही है बच्चों, आप लोगों को जो आज बुलाने का समझाने का, मैंने आज जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनसे भी कहा है कि आप बैठो जानकारी लो, तो सब लोग बैठे हैं, तो इसका पर्पज यही है बच्चों के लिए। रहसल ने बताया कि कोई भी चीज दिमाग में आए छोटी सी, स्टार्टअप का मतलब है कि कोई भी आइडिया आया, सरकार उसे फाइनेंस करेगा, फिर उसे आप उसे बढ़ा सकते हो, उसके बाद वो यूनिकॉर्न बनते हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है कि वो स्टार्टअप 100 करोड़ की कंपनी जब बन जाएगा तो उसे यूनिकॉर्न कहलाएंगे, और आप फक्र करेंगे हिंदुस्तान पे कि 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस समय इंडिया में बन चुके हैं और बहुत तेजी से और बनने वाले हैं। तो हिंदुस्तान में जिस तेजी से यूनिकॉर्न बन रहे हैं उस तेजी से पूरे विश्व में कहीं भी नहीं बन रहे हैं। हमारी जो युवा आबादी है उसके हाथ में देश का भविष्य है, तो जॉब सीकर नहीं बनना है, हमें जॉब प्रोवाइडर बनना है। देश की प्रगति के लिए, आपकी प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं चूंकि सितारों के आगे जहां और भी हैं आप जानते हैं, तो और एक कहावत और है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है, पत्थर को तभी से उछालो जाओ, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो अब ये केंद्र आपको दिशा देगा। मैं भाई साहब का चूंकि बड़ा कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, कुलदीप जी, मान सिंह गोस्वामी जी, डॉक्टर राजीव जी, और एक बार ताली बजा के आप उनका स्वागत करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में कहूंगा, आप एक कार्यक्रम आता था सोनी पे शार्क्स, शायद लोगों ने देखा भी होगा, वो सारे स्टार्टअप से रिलेटेड है, आप शार्क्स प्रोग्राम जरूर देखिएगा, आपको सारी बातें सारी सब कुछ ओरिजिनल दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, आप अपने लिए बताइए जाते जाते प्लीज, और आप सभी लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।